नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी वीडियो है वहाँ से पिंपल्स या एक्ने। ये जो हमारी समस्या है, ये जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें बहुत अधिक पाई जाती है। वहाँ से जो कि हम सोचते हैं कि इनका जड़ से कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये होते क्यों हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिनको रोक करके हम मुहासों से बच सकते हैं, क्या हम ऐसे नुस्खे अपनाएं जिनसे हम मुहासों को निकलने से रोक पाएं। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी फेस पैक्स, बहुत सारे फेस मास्क, यहाँ तक कि हमें जो भी कोई घरेलू उपाय बताता है उन उपायों को भी हम प्रयोग में लाते हैं। कोई एंटीबायोटिक, कोई और मेडिसिन, कोई ऑइंटमेंट, कोई सा भी ऐसा प्रयोग नहीं होता जिसे हम अपनी त्वचा की, अपने फेस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग ना करें। और हम चाहते हैं कि इन पिंपल्स से बच के रहें। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और जानें कि क्या है इन मुहासों को जड़ से ख़त्म करने का उपाय। ये एक्ने और पिंपल्स होते क्यों हैं? आयुर्वेद में आचार्यों ने इसको पित्तज व्याधि में वर्णित किया है। जब हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होने लगता है तो ये हमारे शरीर में पिंपल्स, या हम जिसको एक्ने वल्गेरिस भी बोलते हैं, या हम युवान पीड़िकाएं जिसको हम कहते हैं कि ये टीनेजर्स में अधिकतर होती हैं, ये सारी परेशानियां अधिकतर स्ट्रेस, हार्मोनल डिसबैलेंस, डाइटरी हैबिट्स, पोल्यूशन, ये सारे मिले जुले कारण हैं इन परेशानियों के होने की। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताना चाहूँगी कि आखिर ये मुहासे होते ही क्यों हैं। क्योंकि हमारी स्किन, जो कि हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, आप यदि इसकी फिजियोलॉजी को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और दूसरी होती हैं सीबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स हमारे पसीने को बाहर निकालती हैं और सीबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं वो सीबम को निकालती हैं। होता क्या है कि जब ये सीबम हमारे फॉलिकल्स से ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो वहाँ पर एक प्लग फॉर्मेशन हो जाती है और जिसकी वजह से प्रॉपरली वहाँ से सिक्रीशन नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि हमारी त्वचा वो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती है और वहाँ पे प्लग होने के कारण बैक्टीरियाज वहाँ पर जाकर के इन्फेक्शन कर देते हैं। ये इन्फेक्शन ही हमारे पिंपल्स हैं और ये कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, कॉमिडोन्स, पेप्यूल्स, ये अलग अलग कहते हैं। और इन पिंपल्स में कई बार इतनी परेशानी होती है, पस पड़ने लगता है और उनमें दर्द भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इन पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए चाहे आप बाहर से कितना भी सुंदरता को अपनी अपनाने के लिए फेस पैक लगाएं, फेस मास्क लगाएं, तो एक तरीके से हम अपनी त्वचा को खराब ही करते हैं। हमें सबसे पहले अपनी इंटरनल क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इंटरनल क्लीनिंग जब होगी, यदि आपका शरीर अंदर से ही स्वस्थ होगा, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं होंगे, तो प्रॉपरली जो हमारा सीबम है, जो हमारा स्वेट है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल पाएगा। इसके लिए जो हमारा पहला कार्य, जो उपाय है जिसको आपको अपनाना चाहिए, वो है आप अपने पेट को साफ रखें। जब तक हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट सही नहीं होगी, हमारी आंतें साफ नहीं होंगी, तब तक हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो भी ठीक नहीं होगा, या हम कहें जो आंतरिक चमक है आपके चेहरे पर वो नहीं आ पाएगी। बाहरी चमक के लिए तो हम थोड़ी बहुत देर के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे केमिकल्स हैं वो हमारी त्वचा को ख़राब ही करते हैं। तो कोशिश करें कि केमिकल्स का कम से कम प्रयोग करें और इंटरनल क्लींजिंग करें। इसके लिए आप क्या अपना सकते हैं? आप त्रिफला पाउडर ले सकते हैं, या मार्केट में हरड़ का चूर्ण भी मिलता है, ये रेडीमेड आपको अवेलेबल रहेगा, जिसको एक चम्मच की मात्रा आप रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसको लेने से ये फायदा है कि ये दोनों रसायन की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं, एंटी एजिंग करते हैं, रिजुविनेशन करते हैं बॉडी का, और साथ में आपकी आंतों की क्लीनिंग भी करते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। चाहे फीमेल्स हों या मेल्स हों, दोनों में ही मुहासे आप देखते हैं कि अधिकतर माथे पर, गालों पर, यहाँ तक कि पीठ पर और छाती पर भी पाए जाते हैं। यदि
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बेलेंस हो मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इम्बेलेंस हो, तब भी ये मुहासे होने की पूरी संभावना रहती है। यही कारण है कि जहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं या आपने देखा होगा कि पीरियड के बाद कुछ लोगों में मुहासे अपने आप उभर आते हैं और ऑटोमेटिकली 2-4 दिन बाद वो खत्म होने लगते हैं, क्योंकि उस समय हमारे हॉर्मोन्स पीक पर होते हैं। या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं कई बार उनमें, या मेनोपॉजल सिम्टम वाले लेडीज में भी ये हॉर्मोन्स इम्बेलेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये इम्बेलेंस हमें देखने के कारण मुहासे तब भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, ताकि आपका जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो बिल्कुल ठीक रहे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह योगासन और मेडिटेशन जरूर करें। योगासन में आप प्रयोग कर सकते हैं चक्रासन, सर्वांगासन और त्रिकोण आसन, क्योंकि ये आसन जो होते हैं, ये आप इनकी प्रक्रिया को देखेंगे तो हमारे कुछ वीडियोज़ इसमें पड़े भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, कि सर्वांगासन और त्रिकोण आसन या चक्रासन ये हमारे पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। और सर्कुलेशन मेंटेन होने से हमारी जो इम्बेलेंस है वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारी डाइटरी हैबिट्स। आपने देखा होगा कि आजकल हमें बहुत देर रात तक जगने की आदत और सुबह देर से सोने की आदत होती है, और इस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाते हैं जिसमें कि हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती हैं और यही कारण है कि ये पिंपल्स को भी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना। इसके लिए हमने अपने एक लाइव सेशन में बताया भी है डिटेल्स कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं नटशेल में यहाँ पर भी इसको रिपीट करती हूँ, और डिटेल्स के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जिसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आप कोशिश करें कि जितनी ताज़ी सब्जियाँ और ताज़े फ्रूट्स हैं उनका सेवन करें। फ्रूट्स और खाना, जो अपना लंच और डिनर है, उसमें एक थोड़ा गैप रखें। फ्रूट्स को कभी भी अपने लंच डिनर के साथ ना खाएं, क्योंकि इनका जो पचने का समय होता है वो अलग होता है। स्पाइसी और बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन बिल्कुल ना लें। इसके अलावा जितनी भी हमारी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें कि लेस है, जैसे कि भिंडी, कटहल, अरबी, जिमीकंद इत्यादि, उनको भी अवॉइड करें। और अधिक से अधिक मात्रा में आप 3 लीटर तक पानी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि पानी से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती जो आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। जो मैंने पहला उपाय बताया आपको, क्लींजिंग, दूसरा बताया आप क्या अपने भोजन में इस्तेमाल करें, और तीसरी चीज़ है उषापान। उषापान का मतलब होता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो बिना कुछ ब्रश करे, बिना टॉयलेट जाए, आप सबसे पहले पानी का सेवन करें, क्योंकि रात भर हमारी शरीर के अंदर वो जो सलाइवा होता है वो हमारे मुँह में भी इकट्ठा रहता है। उसके इकट्ठा होने के साथ यदि आप तुरंत पानी पी लेते हैं, हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, या आप तांबे के पात्र में रखे हुए जल का भी सेवन कर सकते हैं, यदि आप उसको सेवन करते हैं तो ये सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके आपकी बड़ी आंत के द्वारा उन सबको निकाल देता है। तो कोशिश करें सुबह कम से कम 0.5 लीटर पानी आप उषापान जरूर करें। ये इतना उत्तम है कि आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है ऑटोमेटिकली रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और आप इसका फ़ायदा डेफिनेटली ज़रूर देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट उपाय है वो है हमारा, आप कोई भी फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ आप ले सकते हैं कि हल्दी और चंदन हमारे घर में अवेलेबल होता है। हल्दी आप मसालों में यूज़ करते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल भी है। इसके जो और भी लाभ हैं वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हल्दी और काली मिर्च के लाभ में। इसके अलावा लेते हैं हम श्वेत चंदन, लाल चंदन नहीं लेना है हमें, श्वेत चंदन लेना है। उसको आप चाहे तो उसको पत्थर के चकले पर घिस के प्रयोग में ला सकते हैं या उसका पाउडर भी ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी। ये आपको किसी भी शॉप पे पंसारी की जो दुकानें होती हैं उनके यहाँ मिल जाएगी, जब आप इसी नाम से लेंगे। इनका पाउडर बना करके आप मुल्तानी मिट्टी ले लें 1 चम्मच, उसमें चुटकी भर हल्दी डालें
और चौथाई चम्मच चंदन पाउडर डाल लें। इसको गुलाब जल में, कोशिश करें कि गुलाब की पत्तियां लेकर के उसको रात भर या 2-3 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दें और उसको मसल करके उसका पानी बना लें। जो मार्केट का गुलाब जल होता है वो उसमें केमिकल्स होते हैं, तो नॉर्मल ये गुलाब का पानी लें, उसके अंदर आप ये जो हमारा मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और चंदन है उसके अंदर थोड़ा सा ये जल डाल लें और इसका पेस्ट बना करके आप अपने फेस पे लगाएं। आधा घंटा या 20 मिनट जब तक ये सूख ना जाए तब तक इसको लगा रहने दें और फिर हल्के हाथ से पानी की सहायता से इसको उतार लें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये पिंपल्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और चंदन, इन सब की प्रॉपर्टी है आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करने की, और आप देखें कि आपका चेहरा कितना ग्लोइंग हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है कुमकुमादी तेलम, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, आप चाहें तो ऑयली ले लें और रात को सोते समय जहाँ आपका पिंपल है उस पर हल्की सी ड्रॉप लगा सकते हैं या पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कुमकुमादी तेल लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा धूप में या तेज़ रोशनी में ना निकलें, जब सो रहे हो तभी लगाएं और सुबह उठते ही हल्के से गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो दें। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो हमारी आखिरी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, मेंटल कंडीशनिंग, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है स्माइल, कि आपके चेहरे पर जब तक एक खुशी रहेगी, एक प्रसन्नता रहेगी, यदि आप अंदर से ही खुश होंगे, टेंशन फ्री होंगे, तो ये पिंपल्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप बहुत जल्दी ही इन पिंपल्स से, इन मुहासों से आप जड़ से ही छुटकारा पा जाएं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।